कांडा बरूड़ में मुस्लिम समाज के याकूब खान ठेकेदार अपनी पत्नी अनिशा खान के साथ 4 जून को मक्का शरीफ के लिए रवाना होंगे। मक्का शरीफ जाने से पहले उनके तमाम रिश्तेदार, दोस्त एवं समाजजनों द्वारा जगह जगह उनका हारफुल पहनाकर इस्तकबाल किया गया। शुक्रवार को मुस्लिम मोहल्ले के जमात खाने में मुस्लिम समाजजन एवं ग्राम के हिंदू भाइयों ने मिलकर उनका हार फूलों से सम्मान कर व गले मिलकर उन्हें भावभीनी विदाई दी। साथ ही उनसे कहा गया कि हमारा भी मदीने वाले से सलाम अर्ज करना और देश दुनिया के लिए सुख समृद्धि की कामना करना। लोगों ने उन्हें कहा कि अगर खुदा ने आपको उसकी चौखट पर बुलाया है तो इससे बड़ी कोई खुशी की बात नहीं है। इस मौके पर ग्राम के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आज हमारे गांव से याकूब भाई मक्का मदीना के लिए जा रहे हैं। हम हिंदू और मुस्लिम, गांव की एकता है और हम याकूब भाई को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि सबसे कम उम्र में भी मक्का जाने का उनको अवसर मिला है और हमारे गांव के लिए अमन शांति की दुआ करें। वहां बहुत बहुत उनको धन्यवाद। क्या नाम लिखते हैं आप? रामचंद कुमरावत, पूर्व कुमरावत समाज अध्यक्ष। कार्यक्रम समापन के दौरान जामा मस्जिद के मौलाना ने याकूब भाई के हज सफर के लिए खुदा से सलामती की दुआएं की। टांडा बरूड़ से मृदुभाषी प्रदेश के लिए जाकिर शेख की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों को नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।